बॉयकट बॉलीवुड के बाद भी कुछ ऐसी तगड़ी बॉलीवुड मूवीज हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखी तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 2022 की कुछ ऐसी तगड़ी मूवीज के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, टॉप 10 2022 की बेस्ट मूवीज। तो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ अंदर, आ जाओ। भाई सलाह पूरे पैसे लेके आए सांची, तो ठीक है। यू बास्टर्ड, हक हर दो इसको, जस्ट शूट हिम। व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? Shut up, just shoot him down. मेरी बात मानो, पागल है ये लोग, पागल है। थोड़ी सी कम इन सारों में से पर येट एक अच्छी मूवी जिसका नाम है एक विलन रिटर्न्स। जो वो वाली विलन है उसको तो ये बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर पाएगी, पर इसके अंदर आपको इंटरेस्ट इतना तगड़ा बना रहेगा बिल्कुल एंड तक, मतलब मजा ही आएगा इसको देखने में। सस्पेंस ही सस्पेंस है, पता ही नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इसकी रेटिंग सिर्फ 4.6 है। ये है प्लॉट की चार विलन्स हैं और वो चारों विलन कैसे कैसे विलन, क्या कुछ होता है, सब कुछ आप देख लेना, ठीक है, मजा आएगा। अगली मूवी की तरफ बढ़ते हैं। अगली मूवी है एक साउथ की मैं हूं दंडाधिकारी मूवी का रीमेक जिसका नाम है कठपुतली। ये मूवी जो है वो ठीक है, अच्छी है, 5.9 इसकी रेटिंग है। और अगर आपने वो वाली मूवी नहीं देखी साउथ की तो आप देख सकते हो, मजा आएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, अच्छी स्टोरी है। कुछ एक सीरियल किलर को पकड़ना है हमारे अक्षय कुमार को, अब वो कैसे पकड़ेंगे, कैसा है वो सीरियल किलर, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगली मूवी आपको देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अगर आपको एक कॉमेडी पंजाबी मूवी देखनी है तो सोकन सोकने सबसे बेस्ट रहेगी। अमेजोन प्राइम की 6.2 IMDb रेटिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा सही सोकन सोकने मूवी। इस मूवी को मैंने 4 बार देखा है और बहुत ज़्यादा हंसी आती है इसको मूवी को देखने में। घर वालों के साथ भी देख सकते हो, बिंदास मजा आ जाएगा। और इसकी जो एमी वर्क ने जो एक्टिंग कर रखी है, मतलब माशाल्लाह, तो जरूर जरूर इसको देख लेना। जो 2022 का साल रहा है वो आलिया भट्ट का रहा है, ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी इन्होंने लाई है। और इसी में एक मूवी आती है गंगूबाई, 7 IMDb रेटिंग के साथ, बहुत ज़्यादा तगड़ी एक्टिंग के साथ आलिया भट्ट ने इसमें कमाल कर रखा है। शांतनु ने भी बहुत ज़्यादा सही काम करा है। और अगर आपको आलिया भट्ट की एक्टिंग देखनी है, एक बहुत तगड़ी मूवी देखनी है, तो ये बेस्ट है। ड्रामा क्राइम इसका जनर है और आपको देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। अगली मूवी एक हाल ही में रिलीज हुई धोखा। ये मूवी इतनी ज़्यादा सस्पेंस से भरी हुई है, मतलब इसका जब 75 रुपये में मूवी देखने को मिली थी तो मैंने इसका शो देखा और मैं इस मूवी का फ़ैन हो गया आखिरी तक। पता ही नहीं आपको क्या चल रहा है इसके अंदर, जिसकी जो हीरो है वो विलन लगेगा, जो विलन है वो हीरो, ऐसा सब कुछ चलता रहेगा। पूरा दिमाग घुमाने वाली मूवी है। प्लॉट कुछ ये है कि एक टेररिस्ट घुस चुका है घर के अंदर और वो कुछ मांग कर रहा है। अब जिस घर के अंदर वो घुसा है, जिसको उसने होस्टेज बनाया है, वो एक साइको लड़की है। अब वो लड़की क्या कुछ करती है, कैसे वो, मतलब पता ही नहीं लगता यार कब वो अच्छी हो जाती है, कब वो गंदी। तो जाकर एक बार देखना इस कंसेप्ट के लिए। अभी तक इसकी रेटिंग सिर्फ 4000 लोगों ने की और वो 9 रेटिंग है आउट ऑफ 10। अगली मूवी है कॉमेडी मूवी अभिषेक बच्चन की 10वीं। एक पॉलिटिशियन जो कि सोचता है कि अब मेरे को थोड़ा पढ़ना चाहिए, मेरे को अपनी 10th class पूरी करनी चाहिए, क्यों सोचता है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जो पुलिस वाली और इनके बीच में जो नोकझोंक दिखाई गई है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आपको देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। एक गांव में अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं ये सब में विलेजर्स परेशान है। 7.5 IMDb रेटिंग वाली विक्रांत रोना हाल ही में हिंदी में आई है और बहुत ज़्यादा थिएटर में तो इसने आग ही लगा दी थी। इतने अच्छे एनिमेशन, इतने अच्छे VFX आपको देखने को मिलते हैं इसमें। कौन है विक्रांत रोना, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में। अब टॉप 3 मूवी से पहले यार, या इतने आगे आए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। इतना ज़्यादा खून खराबा बहुत ही कम बॉलीवुड मूवीज में देखने को मिलता है। बिल्कुल ही तगड़ी Z5 की खुदा हाफिज, इतने सही इसके अंदर मारकाट दिखाई गई है। खुदा हाफिज 1 का सीक्वल है और बिल्कुल ही आगे की स्टोरी चलती है और कैसे क्या कुछ होता है उसके साथ, हमारे मेन करेक्टर के साथ, कि उनकी जो बेटी है वो उनको किडनैप कर लिया जाता है, वो उनका बदला उनको ढूंढने के लिए कैसे क्या कुछ करता है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा तगड़ी, 7.8 इसकी IMDb रेटिंग है। तो बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। अगली मूवी है 8.2 IMDb रेटिंग के साथ मेजर। इसके अंदर रियल स्टोरी दिखाई गई है एक सोल्जर की,
जो कि 2008 में कैसे उन्होंने टेररिस्ट से मुकाबला किया और कैसे उन्होंने मारा और खुद मरे, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा मेजर मूवी में नेटफ्लिक्स की। बिल्कुल अगर आपको एक बायोग्राफी रियल लाइफ सोल्जर के बारे में देखना है तो ये मूवी आप ही के लिए। जो अगली मूवी है वो इस पूरी लिस्ट की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आईएमडीबी रेटिंग वाली मूवी, 9 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 777 चार्ली। इसके अंदर जो इंसान और डॉग के बीच का जो रिलेशन दिखाया गया वो इतना ज़्यादा पागल कर देगा, आपको हंसा हंसा के रुलाएगा भी और बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच्ड ये मूवी है। अगर आपको एक थोड़ी सी और पूरी फैमिली मूवी और थोड़ी सी इमोशनल टाइप मूवी देखनी है तो ये मूवी आप ही के लिए है। मत तो ये थी आज की लिस्ट। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लो, और पार्ट 3 जल्दी आएगा तो उसके लिए जरूर सब्सक्राइब बटन दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।